वेलकम टू द कार शो। आज आपके सामने है ऑल न्यू 2023 मारुति सुजुकी जिम्नी, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर रेड कलर के अंदर। मारुति सुजुकी जिम्नी का प्राइस 12.74 लाख रुपीस से स्टार्ट होता है और जाता है 15.05 लाख रुपीस तक। कल मैंने आपको यहाँ पर इसका जेटा वेरिएंट दिखाया था ऑटोमेटिक में, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जेटा वेरिएंट ही लेकिन मैनुअल के अंदर, तो आप इसे प्रॉपर बेस वेरिएंट कह सकते हैं। 12.74 लाख रुपीस इस पर्टिकुलर कार का ना एक शोरूम प्राइस है रेड कलर के अंदर। अभी आप देख रहे हैं ब्लैक, अगर आपको देखना है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ब्लैक कलर का, तो उसे आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें कुछ इस तरह की आपको ग्रिल देखने को मिल जाती है क्रोम इंसर्ट्स के साथ, जो कि आती है सुजुकी का लोगो सेंटर में आ रहा है। यहाँ पर हेडलैम्प्स की अगर बात करते हैं तो हेलोजन बेस आपके यहाँ पर इसमें हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, जिसके अंदर की आपको यहाँ पर छोटी एक पार्किंग लाइट भी मिल जाएगी। इंडिकेटर्स कुछ इस तरह के आएंगे। यहाँ पर फॉग लाइट वगैरह इसमें कुछ भी ऑफर नहीं की जा रही इस वेरिएंट के अंदर। बाकी टॉप एंड लेंगे तो उसके अंदर आपको हेडलाइट वॉशर मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ पर LED प्रोजेक्टर्स ऑफर किए जाते हैं। एंड ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल का लुक कुछ इस तरह का यहाँ पे कंप्लीट रहने वाला है मारुति सुजुकी जिम्नी का। साइड की अगर बात करें तो साइड में ना आपको यहाँ पर इसमें 15 इंचेस के स्टील व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। कुछ ऐसे ही इनकी टायर प्रोफाइल वगैरह रहने वाली है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ना बढ़िया से लगता है, यूनिक सा डिज़ाइन है। एंड ब्रिजस्टोन के यहाँ पर टायर्स हैं, पूरे गंदे हो चुके हैं, ऑफ रोडिंग का पूरा मजा ले रही है जिम्नी। पीछे आपको टायर प्रोफाइल दिखाता हूँ, तो टायर प्रोफाइल आपको मिलती है यहाँ पर 195/80R15। फ्रंट टू डिस्क ब्रेक्स है, पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स ही मिलेंगी। पूरी क्लैडिंग आप देख सकते हैं कुछ ऐसी है रहने वाली। फुटस्टेप वगैरह आपके यहाँ पे इसमें कुछ भी ऑफर नहीं किया जाता है। ओवर बीम्स कुछ इस तरह के जिन्हें कि आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट तो कर सकते हैं बट फोल्ड नहीं कर पाएंगे। डोर हैंडल्स मैट ब्लैक फिनिश में ही आएंगे। इंडिकेटर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। रूफ ऐसी कुछ इसकी रहने वाली है, बिल्कुल प्लेन रहेगी, कोई भी सनरूफ वगैरह नहीं है। पीछे जरूर से आपको वहाँ पे एक एंटीना इसमें मिल जाता है। वाइपर्स आप देख सकते हैं जिम्नी के। और बात कर लेते हैं इसके बैक प्रोफाइल के बारे में, तो यहाँ पर आपको इसमें कुछ इस तरह की टेल लैंप्स देखने को मिलती है। सबसे पहले तो जिम्नी की आपको ऊपर बैजिंग मिल जाएगी। ये आपको स्पेयर व्हील दिया जा रहा है जो कि एक स्टील व्हील ही रहेगा मोस्ट प्रोबेबली, बिल्कुल इसकी तरह। एंड प्रॉपर कवरिंग के साथ ही आ रहा है, ये अच्छी बात है। यहाँ पर ना आपको इस पर रियर वाइपर वॉशर डिफॉगर सब कुछ मिल जाएगा जो कि आप देख सकते हैं। ब्रेक लाइट आपको यहाँ पर एक छोटी सी दी जा रही है, वॉशर आपको यहाँ पर इसमें मिल जाता है। टेल गेट ऐसे साइडवेज ओपन होगा इसका। यहाँ पर जिम्नी की बैजिंग दी जा रही है। एंड नीचे की तरफ ना आपको चार पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे और रिवर्स पार्किंग कैमरा भी इसके अंदर यहाँ पर आ रहा है। नंबर प्लेट लाइट्स आपको हेलोजन के अंदर ही मिलेंगी। ऑल ग्रिप की आपको यहाँ पर इसमें बैजिंग मिल जाती है, क्योंकि मारुति सुजुकी जिम्नी आती है 4x4 के अंदर ही। फिलहाल यहाँ पे 4x2 वगैरह कोई भी आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है ऐसा कुछ। यहाँ पे आपको कंप्लीट इसका बैक प्रोफाइल का लुक मिल जाएगा। बाकी ना वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आपकी कार के लिए एक बहुत ही बढ़िया कार परफ्यूम के बारे में, जो कि है इन्वॉल्व वन का मोहितो लेमन कार परफ्यूम। इसकी अगर फ्रेग्रेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको इस परफ्यूम से एक बहुत ही रिफ्रेशिंग सी मजेदार सी फ्रेग्रेंस मिल जाती है, जो कि आपको एक इंस्टेंट फ्रेशनेस प्रोवाइड कर देगी आपकी कार के अंदर। ये परफ्यूम बहुत इजीली 50-60 डेज तक लास्ट भी कर जाता है। बाकी इसे ना आप यहाँ पर किसी बॉटल होल्डर के अंदर रख सकते हैं, और सबसे खास बात यह है बिल्कुल भी लीक भी नहीं करता, और ये एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट भी है। इसको यहाँ पे अभी के लिए रखते हैं और बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में। तो यहाँ पर ना आपको इसके अंदर ऑफर किया जाता है 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन। एक इंजन ऑप्शन आपके यहाँ पर इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है, ये आप देख सकते हो। 102 PS की पावर और 137 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क ये निकाल कर देगा। 4 सिलेंडर का पेट्रोल इंजन है, इंसुलेशन आपको नहीं मिलती है। 5 स्पीड मैनुअल और 4 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ आपके इंजन इसमें दिया जा रहा है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी खाली खाली जगह आपको यहाँ साइड स्पेस पे देखने को मिलेगी। बाकी बहुत ही साइलेंट एंड रिफाइंड इंजन है। परफॉर्म कैसा करेगा उसकी हम बात करेंगे ड्राइव रिव्यू के अंदर और साथ ही साथ ऑफ रोडिंग रिव्यू के अंदर, जो कि मैं जल्द ही पोस्ट कर दूंगा। बाकी फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका फ्रंट साइड का लुक। और अब ना चलते हैं इसके अंदर एंड चेक कर लेते हैं इसके इंटीरियर्स को भी। तो ये सबसे पहले तो इसका डोर पैड, जो कि आप देख सकते हैं ब्लैक कलर के अंदर आपको पूरा पूरा देखने को मिलेगा। ग्रैब हैंडल कुछ इस तरह का रहा है, डोर हैंडल ये आप देख सकते हैं। नीचे आपको स्पीकर मिल जाएगा बट कोई भी आपको ना यहाँ पर इसमें बॉटल होल्डर वगैरह प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। मैप पॉकेट आपको जरूर से मिल जाती है। मैप पॉकेट या स्टोरेज स्पेस बहुत ही थोड़ी सी कह सकते हैं, मतलब मैगजीन होल्डर टाइप का एरिया इसमें कह सकते हैं। सीट्स के अंदर हाइट एडजस्टमेंट नहीं आ रही है इस वेरिएंट के अंदर। बाकी डोर ओपनिंग इसकी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, तो एंटर एग्जिट करने में आपको यहाँ पे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अंदर आती है आपको यहाँ पे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा कंप्लीट मिलने वाला है इसके डैशबोर्ड का। और अब कीज़ की बात करें तो यहाँ पर आपके इसके अंदर कुछ इस तरह कीज ऑफर की जाती है, जो कि आती है लॉकर अनलॉक के ऑप्शन का। सिंपल कीज़ आपके यहाँ दी जा रही है। टॉप एंड के अंदर आपके यहाँ पे पुश बटन स्टार्ट मिल जाएगा, लेकिन इसके अंदर आपके यहाँ पर इसमें कीज़ को इंसर्ट करना पड़ता है। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर यहाँ पर सबसे पहले बात की जाए तो इसको देखते ही आपको यहाँ पर जिप्सी की याद आने वाली है। बिल्कुल सेम उसी तरह का डिज़ाइन में दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका स्पीडोमीटर, यहाँ पर RPM मीटर सेंटर में आपको दी जा रही है। MID स्क्रीन, स्टीयरिंग व्हील कुछ इस तरह का लेदर आपको यहाँ पर ये नहीं मिल रहा है। मीडिया एंड टेलीफोनी कंट्रोल्स आपको यहाँ पर इसमें
ज़रूर से मिल जाएंगे। एडजस्टमेंट की अगर इसके बाद की जाए तो इसे आप यहाँ पर टिल्ट वे में एडजस्ट कर सकते हैं। टेलीस्कोपिक ऑप्शन आपके यहाँ नहीं मिलेगा। हेडलैम्प के लिए टॉगल इस साइड पर है, साइड पर आपके यहाँ वाइपर के लिए टॉगल मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक एसी वेंट मिलता है, नीचे आपको ऑटो इंजन ऑन ऑफ मिल जाएगा। हेडलाइट लेवलर आ रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओवरवीएम के कंट्रोल्स है, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट तो आप इन्हें कर पाएंगे बट फोल्ड आप इन्हें नहीं कर सकते हैं। ओवरऑल डैशबोर्ड लेआउट कुछ ऐसा कंप्लीट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। एंड ये बेस वेरिएंट के अंदर भी ना आपको 7 इंचेस की स्क्रीन ऑफर की जा रही है, 7 इंचेस स्क्रीन ऑफर की जा रही है, जिसके अंदर कि आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस एप्पल कारप्ले दोनों ही मिल जाएंगे। और आपके यहाँ एएमएफएम ब्लूटूथ यूएसबी जैसे बेसिक फीचर्स तो मिलते ही हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं वायरलेस कनेक्टिविटी आपको यहाँ मिल रही है। बाकी कार के रिलेटेड भी आप यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें चेक कर सकते हैं। 2 AC वेंट्स हैं, 1000 लीट का स्विच है, मैनुअल एसी कंट्रोल्स आपके यहाँ इस वेरिएंट के अंदर मिलेंगे। टॉप एंड के अंदर आपके यहाँ पे फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा। पावर विंडो के स्विचेस हैं, ट्रैक्शन ऑन ऑफ आप यहाँ से कर सकते हैं। हिल डिसेंट कंट्रोल इसमें आ रहा है तो उसे भी आप यहाँ से इसमें ऑन ऑफ कर सकते हैं। सबका इंडिकेशन आपके यहाँ पे एमआईडी स्क्रीन के अंदर मिलता रहेगा। स्टोरेज स्पेस है, यूएसबी का पोर्ट आपको मिल जाता है, 12 वॉट्स का पावर सॉकेट दिया जा रहा है। ऐसा कुछ यहाँ पे आपको गियर लीवर मिलने वाला है, 5 स्पीड का मैनुअल और 4 स्पीड ऑटोमेटिक, 2 ऑप्शंस मिलता है। ऑटोमेटिक वाली वीडियो मैंने कल पोस्ट की थी, आई होप आप सभी ने वो देख ली होगी। रिवर्स गियर लगाने पर ना आपके यहाँ पर इसमें मिल जाएगा कैमरा का डिस्प्ले जो कि आएगा गाइडलाइंस के साथ ही, आप देख सकते हो। एंड सेंसर्स का डिस्प्ले आपके यहाँ पे कोई अलग से नहीं दिया जा रहा है बट सेंसर्स की साउंड जरूर से आप सुन सकते हैं। बाकी यहाँ पर ऐसा कुछ ही रहने वाला है। फिर यहाँ पर आपको इसमें 4x4 का पूरा सेटअप देखने को मिलेगा। एंड ऐसे करके आप मतलब प्रेस करके इसको 4 लो 4 हाई मतलब अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। एंड फिर हैंड ब्रेक के साथ आपको पावर विंडो के स्विचेस मिलते हैं। और ये है पीछे वाले, आगे का नहीं है कंट्रोल, आगे वाले आपको यहीं पर इसमें मिलेंगे। 2 बॉटल होल्डर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। सीट्स की अगर बात करें तो कुछ इस तरह की आपको यहाँ पे फैब्रिक सीट्स इसमें ऑफर की जा रही हैं, ये आप देख सकते हैं। ऐसी कुछ ये सीट्स रहने वाली हैं इस कार के अंदर, काफ़ी बढ़िया कम्फर्ट आपको ओवरऑल प्रोवाइड कर देती है, किसी भी तरह की आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं आने वाली है। हार्ड प्लास्टिक आपको यहाँ पे हर जगह प्रोवाइड किया जा रहा है। बेस वेरिएंट के अंदर भी ना आपको यहाँ पे सेफ्टी में 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। फ्रंट 2 एयरबैग्स आ रहे हैं, साइड कर्टन एयरबैग्स इसमें आ रहे हैं और सीट के साइड पर भी आपको यहाँ पर एयरबैग्स मिल जाते हैं। और आपको यहाँ ABS-OBD ब्रेक असिस्ट, आइसोफिक्स सीट माउंट, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे और भी काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स इसी वेरिएंट से मिल रहे हैं। बाकी नगर ये सब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके वीडियो पसंद आ रही है जरूर से वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ ना चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर आपको इसमें मिल जाता है मैनुअल डे एंड नाइट IRVM रूफ लाइट यहाँ पे हेलोजन में रहेगी और इधर आपको यहाँ पे मिरर मिल जाता है और इस साइड पर भी आपको यहाँ पे मिरर दिया गया बट कोई भी लाइट वगैरह आपको यहाँ पे इसमें अलग से प्रोवाइड नहीं की जा रही है। ग्लोव बॉक्स कुछ इतनी स्टोरेज स्पेस के साथ आएगा, थार से डेफिनेटली ये बेटर है। ग्रैब हैंडलेबल आप देख सकते हो, कुछ ऐसा कंप्लीट है। ओवरऑल रगड सी फील आती है मतलब इंटीरियर्स में ना इसके, ये आप देख सकते हो ऐसे कंप्लीट रहने वाले हैं। बाकी यहाँ से एक बार निकलते हैं कार को बंद और सीट को थोड़ा सा आगे कर लेते हैं ड्राइविंग पोजिशन के हिसाब से और चेक कर लेते हैं इसकी रियर सीट्स को। तो ना यहाँ पे ऐसा कुछ डोर पैड आपको मिलने वाला है। सबसे पहले तो ये आप देख सकते हैं सिंगल टोन के अंदर आपको पूरा मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा ओवरऑल वाइड ओपनिंग आपको यहाँ पर इसकी मिल जाएगी। पावर विंडो का स्विच है, डोर हैंडल कुछ इस तरह का आएगा, यहाँ पे ग्रैब हैंडल देख सकते हो, स्पीकर आपके यहाँ दिया जा रहा है बट कोई भी आपके यहाँ पर इसमें बॉटल होल्डर वगैरह प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ना आपको 2 हेडरेस्ट तो मिल रहे हैं बट आर्मरेस्ट वगैरह इसमें नहीं है। रियर सीट पूरी आती है इसमें 50-50 स्प्लिट फंक्शन के साथ ही, आप देख सकते हैं ऐसे फोल्ड होएगी वाली। बाकी 4 सीटर कैटेगरी में आती है, RC के ऊपर भी 4 सीटर ही लिखा जाएगा इसके अंदर। यहाँ पे अब अंदर बैठ के देखते हैं स्पेस और कम्फर्ट किस तरीके का मिल जाता है। तो अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे अंदर, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा ओवरऑल नी रूम, लेग रूम और हेड रूम मिल पा रहा है। तो स्पेस के मामले में मेरे को ऐसा कोई कमी नहीं लग रही है बट अंडर थाई सपोर्ट कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा बेटर हो सकता था। यहाँ पर ना रूफ लाइट इसमें हेलोजन में ही प्रोवाइड की जा रही है, एक पीछे भी सनरूफ वगैरह आपको जिमनी में नहीं मिलते। बाकी आप देख सकते हैं कम्प्लीट कार अंदर से। बाकी बॉटल होल्डर्स हैं, AC वेंट्स नहीं है, मैप पॉकेट्स आपको यहाँ पर इसमें मिल जाती हैं। बाकी ऐसी कुछ ये सीट्स हैं। और अब चेक कर लेते हैं इस कार का बूट एरिया, तो ना इसका टेल गेट जो है वो ना साइडवेज ओपन होगा, यहाँ से आप ऐसे इसको ओपन कर सकते हैं। बूट स्पेस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आपको यहाँ पर इसके अंदर मिल जाता है। ये वाली सीट्स आप फोल्ड कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। एंड फोल्ड करने के बाद ना आपको और भी ज़्यादा स्पेस मिल जाएगी अगर आप चाहते हैं तो। यहाँ पर एक 12 वॉट्स का पावर सॉकेट, साथ ही आपको एक यहाँ पर लाइट भी मिल जाती है इस कार के अंदर। बाकी ओवरऑल कार अंदर से ऐसी कुछ ये रहने वाली है। फिलहाल के लिए यहाँ पर इसके नीचे देखते हैं तो ये टूल किट रखने की प्रॉपर जगह दी जा रही है जो कि अभी आगे फिलहाल पड़ी है, डिलीवरी होगी तो वो यहाँ पे इंस्टॉल कर दी जाएगी। और अब बंद कर देते हैं इसको एंड बात कर लेते हैं इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में। तो गाइस इस पर्टिकुलर कार मारुति सुजुकी जिमनी जेटा मैनुअल वेरियंट का ना एक शोरूम प्राइस है 12.74 लाख रुपीज़ और ये आपको ऑन रोड चंडीगढ़ के अंदर पड़ने वाली है 14,25,000 रुपीज़ की। बाकी आपकी कार ओवरऑल कैसी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जेटा वेरिएंट के व्हील्स आपको कैसे लगे वो भी मेरे को जरूर बताना। मेरे को ना टॉप एंड के लॉयस से ये स्टील व्हील्स पता नहीं क्यों ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं। बाकी ओवरऑल कार आपने देख ली है,
या अल्फा भी आपने देखा ही होगा। तो वैल्यू फॉर मनी आपको कौन सा लगता है कमेंट सेक्शन में वो मेरे को जरूर से चीज़ बताना, और साथ ही ना वैसे आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा इन्वॉल्व वन के मोहितो लेमन का परफ्यूम का, जिससे कि जाकर ना आप जरूर से वाय कर लें। बाकी तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो के लिए, आई होप आप सभी को पसंद आई होगी, पसंद आई हो जरूर इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और ना चैनल को भी अभी के अभी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस कार के सभी वेरियंट्स का प्रॉपर वॉक अराउंड वीडियो आने वाला है, ड्राइव रिव्यू आने वाला है, ऑफ रोडिंग रिव्यू भी इसका आने वाला है। थैंक यू।